टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलोड्रामा के ट्विस्ट से। शक्ति में आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट जब लोहड़ी सेलिब्रेशन के दौरान दिखेगा हरमन और सौम्या का डांस, जिसे देख प्रीतो होगी परेशान। साथ निभाना साथिया में कोकिला और गोपी दोनों पहुंच गई हैं हवालात में, जिन्हें बचाने के लिए जग्गी चाय वाला बन पहुंचता है पुलिस स्टेशन। ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी नायरा को हो गया है कार्तिक के जीजा जी आदित्य पर शक। तो उड़ान में रागिनी तड़पा रही है अपने ही भाई सूरज को खाने के लिए, जिससे आ गया है हाई मेलोड्रामा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है टीवी स्टार दिशा परमार, जो एक लंबे वक्त के बाद शो वो अपना सासे टीवी पर वापसी कर रही हैं। दिशा ने जूम पर एक्सक्लूसिवली किया खुलासा कि उन्हें इतना टाइम क्यों लग गया कमबैक करने में। मैं ट्रैवल कर रही थी, घूम रही थी, एंजॉय कर रही थी, काफी चीजें अलग अलग कर रही थी। आई वॉज सपोज टू डू सम अदर शोज ऑल्सो, बट सैडली दे डिडंट वर्क आउट एंड आई एम हैप्पी वो नहीं वर्क आउट हुआ, क्योंकि मैं वो अपना सा कर पाई। एंड इट्स अ वेरी स्पेशल शो, इट्स अ वेरी गुड रोल एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी टू बी अ पार्ट ऑफ एंड या आई होप पीपल लाइक इट। दिशा अपने आने वाले शो वो अपना सामे जानवी नाम की लड़की का किरदार निभाएंगी। चलिए उनसे जानते हैं उनके किरदार और उनके खास लुक के बारे में। सो जानवी वेयर्स वेरी कैजुअल क्लोथ्स, इट्स वेरी ट्रेंडी आजकल जो सब इन है। आई थिंक यू विल गो टू एनी बुटीक और एनी स्टोर, यू विल सी इसी टाइप के कपड़े यूजुअली हर लड़की पहनती है। एंड या शी एक्सेसराइज हर क्लोथ्स विद सम वेरी ब्यूटीफुल ज्वेलरी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कुर्तीज, सो इट्स डिफरेंट। मैं इतनी सारी पॉजिटिविटी फैलाने वाली हूँ दैट आई कांट इवन टेल यू, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इट्स अ वेरी गुड रोल, इट्स अ वेरी रिलेटेबल एंड आई एम श्योर पीपल आर गोना लाइक हर फॉर श्योर, जस्ट लाइक हाउ दे लाइक पंकज। सो या आई होप, आई जस्ट वांट टेल एवरीवन टू वॉच इट, वो अपना सा। वेल वी होप दिशा के खलासे से आप हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल शक्ति में आने वाला है नया ट्विस्ट जब सौम्या अपने फैंस से करेंगी सवाल कि क्या किन्नर को मां बनने का हक नहीं है, और टेली टॉप अप एक्सक्लूसिवली लेकर आया है इसकी एक खास झलक, खास आपके लिए। सीरियल शक्ति में आ गया है लोहड़ी वाला ट्विस्ट जहां सौम्या, हरमन, हरक सिंह, प्रीतो और उनका पूरा परिवार मिलजुल कर मना रहे हैं लोहड़ी। जहां हरक सिंह ने लोहड़ी में आग जलाकर सभी को खुशी से झूमने को कहा, वहीं दूसरी तरफ हरमन भी पहुंचा अपनी सौम्या के पास, जहां सौम्या हरमन के नाम का मंगलसूत्र पहनकर आई है। आज का बोनस धमाका, नैना के रेट्रो अंदाज से कैसे हुई खुद उन्हें ही मुश्किल। एक तरफ जहां सीरियल शक्ति में चल रहा है लोहड़ी का सेलिब्रेशन, जहां सौम्या अपना फर्स्ट लोहड़ी सेलिब्रेट कर रही हैं अपने हरमन के साथ, वही कहानी में आता है ट्विस्ट जब उसी सेलिब्रेशन में किसी ने कहा नई नवेली जोड़ी को डांस करने के लिए, जिसके बाद सौम्या के घर वाले होते हैं शॉक्ड और वो किसी से कुछ बोल नहीं पाते। वेल, पहले तो हरमन होता है तैयार सौम्या के साथ डांस के लिए, लेकिन प्रीतो आकर बोलती है कि सौम्या को नाचना नहीं आता, इसलिए हरमन की साली करेगी डांस हरमन के साथ। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट जब सुरभि को अचानक पैर में लगती है चोट और वो बैठ जाती है, तभी हरमन सौम्या को लेकर जाता है डांस करने, जिसे देख प्रीतो को आता है गुस्सा और वो सुरभि के पास बैठ जाती है। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल शक्ति में हरमन और सौम्या की लोहड़ी में डांस धमाल वाली न्यूज के साथ, जहां हरमन और सौम्या ने दिखाया एक दूसरे के प्यार के रंग में रंग कर अपने डांस का जलवा, जिसे देख प्रीतो हो रही थी परेशान। उदास तो नहीं, बहुत खुश हूँ, लेकिन एक पॉइंट पे थोड़ी सी डिफीट महसूस होती है कि मैं चाह रही थी कि सुरभि और हरमन लोहड़ी का डांस करे, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि सौम्या और हरमन वो डांस करते हैं। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप।
सीरियल साथ निभाना साथिया में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जब गोपी पुलिस लॉकअप में पहुंचती है कोकिला से मिलने, लेकिन पुलिस वाले उसे मिलने नहीं देते, जिसके बाद गोपी ने उर्मिला के बनाए हुए प्लान के मुताबिक पुलिस वाले पर उठाया हाथ, जिसके चलते गोपी भी पहुंच जाती है पुलिस लॉकअप में, जहां गोपी देखती है कोकिला को हवालात में। गोपी ने पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया तो अंदर चले गए, तो मतलब पता नहीं चल रहा यार मैं क्या चल क्या रहा है। लेटर ऑन द शो, अनीता भाभी की मस्ती पड़ी तिवारी जी को भारी। सीरियल साथिया में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट वाला ड्रामा, जब जग्गी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है चाय वाला बनकर। दरअसल कोकिला और गोपी दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं और जग्गी गोपी को पुलिस के गिरफ्त से बाहर निकालने के लिए पुलिस वालों को लगा रहे हैं मस्का। तभी तो देखिए ना कैसे जग्गी पुलिस स्टेशन में पहुँच कर कर रहे हैं पुलिस वालों की तारीफ और थाने में बांट रहे हैं समोसा चाय। पुलिस वालों को ना मस्का मारने आया हूं और मतलब गोपी को यहां से छुड़ाना है और उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, तो मैं मस्का वस्का मार के पुलिस से और गोपी को बचाने लेके जाऊंगा, लेकिन पुलिस वाले पकड़ेंगे और मुझे भी अंदर डाल देंगे। वाले एक तरफ जहां जग्गी पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को लगा रहे हैं मस्का अपनी गोपी को लॉकअप से बाहर निकालने के लिए, वहीं दूसरी तरफ जग्गी की नजर है पुलिस वालों के पास रखी लॉकअप की चाबी पर, और जग्गी ने बड़ी सफाई से पुलिस वालों को चकमा देकर हथिया लिया है लॉकअप की चाबी और वॉशरूम के बहाने पहुंच गए हैं गोपी के लॉकअप तक। सीरियल साथ निभाना साथिया में एक तरफ जहां पुलिस लॉकअप में कोकिला है परेशान, वहीं दूसरी तरफ सीरियल की कहानी में आता है नया ट्विस्ट, जब उसी पुलिस स्टेशन में कोकिला से मिलने पहुंचती है गौरा, जिसे देख कोकिला हो जाती है शॉक्ड। सीरियल साथिया में गौरा को अपने पैरों पर खुद चलते देख कोकिला करती है गौरा से सवाल कि वो आखिर यहाँ क्यों आई है, जिसके बाद गौरा कोकिला को धमकाती है और कोकिला पर बनाती है दबाव उर्वशी को मारने का इल्जाम अपने सर पर लेने के लिए, और ऐसा ना करने पर गौरा देती है कोकिला को धमकी कि वो मोदी हाउस में रखे बॉम्ब को रिमोट से उड़ा देगी, जिसके बाद कोकिला दिखती है लाचार और उसकी आँखों में बहने लगते हैं आंसू। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल साथिया के जग्गी यानी टीवी स्टार मोहम्मद नजीम की मस्ती वाली न्यूज के साथ। दरअसल सीरियल में नजीम बने थे चाय वाला और उन्होंने इस किरदार को खूब एंजॉय किया। तो मोसे चाय नहीं, लेकिन मुझे बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसे जो सीन मिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मेरे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और कॉमेडी प्लस मेरा वो एक है कि मैं कर लेता हूँ वो है ना चीज़ कैरी कर लेते हो कॉमेडी कैसी की जाए, तो मुझे काफ़ी टाइम के बाद मिला जैसे जग्गी को शुरू से मिले थे सीन्स, तो जस्ट लॉन्ग टाइम बैक मतलब अभी जाके दोबारा से वो सीन मिला है ऐसा। सीरियल ये रिश्ता में चल रही है कार्तिक और नायरा के संगीत की तैयारी, नायरा और गायू मिलकर कर रहे हैं कथक की प्रैक्टिस, दोनों की जुगलबंदी देखने लायक है, दोनों बहनें मिलकर संगीत में डांस धमाल करने वाली हैं, जब तैयारी इतनी जबरदस्त होगी तो रिजल्ट तो बढ़िया आएगा ही, बाकी घर वाले भी गायू और नायरा से ही डांस सीखेंगे और संगीत के जश्न में चार चांद लगा देंगे। जब नायरा और गायू डांस प्रैक्टिस कर रही होती हैं, तो वहां कार्तिक के जीजाजी यानी आदित्य पहुंच जाते हैं नायरा से डांस सीखने, हालांकि डांस तो बहाना है, असल में आदित्य की नज़र तो नायरा पर है, डांस के बहाने आदित्य नायरा को छूने की कोशिश भी करता है, जिसके बाद नायरा को भी उस पर शक हो जाता है। उसी बीच वहां आ जाती है कीर्ति यानी आदित्य की वाइफ, जो आदित्य को वहां देखकर चौंक जाती है, पर आदित्य उसे अपनी बातों में फंसाकर समझा देता है। सीरियल उड़ान में रागिनी अपने भाई सूरज को खाने के लिए तड़पा रही है, रागिनी सूरज के लिए खाना लेकर जाती है पर उसे देती नहीं है, सूरज को तो कमल नारायण ने बांधा हुआ है, तो वो खाना लेने की कोशिश करता है पर ले नहीं पाता है, रागिनी उसके मुंह तक खाना लाती है पर खिलाती नहीं है, उसे खाने के लिए तरसा रही है, ये देख चकोर को रोना आ जाता है। मुंबई के एक 5 सितारा होटल में हुआ जल्द टीवी पर आने वाला शो वो अपना सा का लॉन्च,
यहां शो के मेकर्स के साथ साथ शो की मेन कास्ट भी मौजूद थी। शो में मुख्य भूमिका में है टीवी स्टार दिशा परमार, रिद्धि डोगरा और सुदीप साहिर। शो की कहानी काफी अलग और मजेदार है। चलिए शो के लीड एक्टर सुदीप से जानते हैं कि कैसा होगा उनका किरदार। चैलेंजिंग है बिकॉज इट्स अ वेरी थिन लाइन एंड उस थिन लाइन की वजह से टू डू योर सीन्स इट्स चैलेंजिंग बिकॉज यू कांट क्रॉस इट। एंड किरदार बहुत अच्छा है, बहुत अलग तरीके से लिखा गया है, बहुत लोग रिलेट करेंगे इससे। यू नो व्हेन यू गेट मैरिड यू इफ यू गेट अ ग्रेट वाइफ यू लकी, बट इफ शी इज़ नॉट दैट ग्रेट देन योर एंटायर फैमिली एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस, वाइस वर्सा सेम। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है कि वो आदमी फंस चुका है, ही वांट्स के उसकी फैमिली उसके बच्चों को शुड गेट द यू नो द मदर शुड बी देयर, ही डजंट वांट टू सेपरेट देम बट हिज लाइफ इज अ हेल। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up। टीवी स्टार रिद्धि डोगरा जल्द ही आने वाले शो वो अपना सामे नेगेटिव किरदार में नजर आएंगी। रिद्धि का कैरेक्टर नेम होगा निशा, जिनका कैरेक्टर काफी विकेड होगा। रिद्धि काफी टाइम के बाद टीवी पर वापसी कर रही हैं और वो भी नेगेटिव किरदार में। ये रोल काफी चैलेंजिंग होने वाला है उनके लिए। बहुत नर्वस हूँ, बहुत स्केर्ड हूँ, बहुत अलग है रोल मेरे लिए एंड आई थिंक दैट्स द चैलेंजिंग पार्ट, दैट्स द फन पार्ट to do something which is so different. It's scary at every level. सीरियल परदेश में वीर और संजना नैना से माफी मांगने के लिए मार्केट में आते हैं, पर नैना उनकी बात नहीं सुनती और उन पर चिल्लाती है। कुछ ही दूर राघव ये सब देख रहा होता है। तभी राघव के पास से एक सांता क्लॉज गुजरता है जो कि एक टेररिस्ट है। राघव को कुछ पता चल पाता उससे पहले ही वो टेररिस्ट गोलियां चलाने लगता है, जिसकी वजह से सारी जगह में अफरा तफरी मच जाती है और गोली नैना को लग जाएगी। I know, quite waiting to see the shoot, how it turns out to be. Terrorist attack हो जाता है हम सब पर and कैसे हम एक दूसरे को बचाते हैं और क्या होते हैं वो देखना है। सीरियल परदेश की नैना, संजना यानी दृष्टि धामी और अदिति गुप्ता सेट पर कर रहे हैं मस्ती। दोनों सेल्फी खींच रही हैं और इसमें उनका साथ दे रहे हैं वीर। सभी साथ मिलकर फोटोज क्लिक करवा रहे हैं और कर रहे हैं शूटिंग के बीच अपना टाइम पास। सीरियल भाभी जी में आ गया है इंटरेस्टिंग मोड, जहां अनीता भाभी आजकल बन गई हैं चुलबुली भाभी और सब लोगों के साथ कर रही हैं प्रैंक। और आज उनका शिकार हो गए हैं तिवारी जी। हुआ यूं कि जैसे ही तिवारी जी पहुंचे अनीता भाभी के घर, उनका स्वागत बड़े ही जिंदा दिली से हुआ और इस स्वागत से तिवारी जी को लगा कि भाभी जी तो आज हमसे पट गई। वही एक तरफ जहां तिवारी जी अनीता के बदले हुए अंदाज से मन ही मन फूले नहीं समा रहे थे, तभी उन्हें एक गिफ्ट बॉक्स भी मिल गया भाभी जी से। पर उन्हें क्या पता था कि जिस गिफ्ट को देखकर वो खुश हो रहे हैं उसमें उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। जैसे ही बॉक्स खुला तिवारी जी के हाथों, उनके चेहरे पर पड़ा जोरदार मुक्का और एक ही पल में उनके मन की सारी मुराद चकनाचूर हो गई। Coming up on the show, Kamya aka Preeto ki off-camera masti. 30 minute ka full recharge, Zoom Tele Top Up. चंद्रा अपनी दादी को उनके यानी दादी के घर ले जाने की बात करता है, पर दादी तो अपने घर जाने से मना कर देती है और बीमार होने की बात कहती है। लेकिन दादी बीमार नहीं है, उन्हें तो नंदिनी के साथ कुछ दिन और रहना है। पर इस बात से चंद्रा भी खुश हो जाता है क्योंकि उसे नंदिनी के करीब रहने का मौका जो मिल रहा है। वो नहीं चाहता कि दादी अपने घर जाए और उसे नंदिनी से दूर होना पड़े, क्योंकि दादी को दिखाने के लिए दोनों साथ जो रह रहे हैं और दादी को दिखाते हैं कि हम साथ हैं। पर यही नाटक दोनों को पास ले आया और अब चंद्रा को नंदिनी का साथ भाने लगा है और अब वो नंदिनी से दूर नहीं जाना चाहता है। इसीलिए दादी ने अपने घर ना जाने की बात कहकर चंद्रा के दिल की बात कह दी।
और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज। सीरियल एक था राजा एक थी रानी में नैना यानी टीवी स्टार ईशा के मुमताज वाले लुक के साथ। जी हां, ईशा ने लिया है सीरियल में रेट्रो लुक, लेकिन इस लुक में ईशा को हो रही है बहुत प्रॉब्लम, ये खुद बता रही हैं ईशा। हाँ, ये रेट्रो लुक है और मुमताज जी का लुक थोड़ा उनकी टाइप की साड़ी हमने कॉपी की है, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो, अभी मैंने लूज करी हुई है, ये तो बहुत टाइट है और आप मूव नहीं कर सकते, आप इतने इतने कदम एक बार में बढ़ाते हो, व्हिच इज क्वाइट डिफिकल्ट, आप मूव नहीं कर पाते सही से, आपको बेबी स्टेप्स लेने होते हैं। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज। सीरियल वारिस में होने वाली नई एंट्री वाली न्यूज के साथ। जी हां, सीरियल में मोहिनी यानी टीवी स्टार जस्सी ने मारी है धमाकेदार एंट्री, जिसके बाद घर में मच गया है हंगामा। मेरी एंट्री कहते हैं ना कि कुछ अलग हटके होनी चाहिए, तो ये बहुत धमाकेदार एंट्री हुई है एंड वारिस का जो अभी तक चलता आया उससे थोड़ा डिफरेंट लुक है और एक डिफरेंट कैरेक्टर ऐसा लेकर आए हैं। बुलाइए अब आपको दिखाते हैं सीरियल वारिस की मोहिनी का मन मोह लेने वाला अंदाज, जिसे खुद बता रही हैं मोहिनी यानी टीवी स्टार जस्सी। इट्स हॉट, सेक्सी येट डेंजरस, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। झूमर दिए गए हैं मुझे, बड़े बड़े झूमर पहने हैं मैंने, खूबसूरती यू से, झूमर है, रिंग्स है, द होल आउटफिट इज डिफरेंट। टेली टॉप अप में आज हमारे साथ है सीरियल वारिस की मन्नू यानी चाइल्ड आर्टिस्ट सानिया तौकीर, जो जूम के कैमरा में हुई कैद सेट पर बाइसिकल राइडिंग करते हुए। एक्चुअली ये मेरे पापा का गिफ्ट है, ये मैं दिवाली में पापा ने मुझको गिफ्ट किया था, और जब भी मैं सेट पे जाती हूँ या फिर जब भी कहीं जाना होता है तो मैं इसके साथ जाती हूँ, और जब भी मेरे पापा आते हैं, किसी को बताना मत, जब भी मेरे पापा आते हैं तो हम इवनिंग को बाहर जाके टॉफी खरीदता हूँ, मैं इससे जाती हूँ। सानिया ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए बताया अपने पसंद नापसंद खिलौनों के बारे में। गुड़िया की तो बात ही मत करना, अगर मेरे पापा मुझको डॉल दिलवाते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं कैसे चिड़सी है मुझको डॉल से। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज। सीरियल शक्ति में काम्या पंजाबी की ऑफ कैमरा मस्ती वाली न्यूज के साथ। जी हां, देखिए लोहड़ी के इस खास मौके पर काम्या दिखी बेहद ही एक्साइटेड, तभी तो देखिए ना कैसे काम्या ने ऑफ कैमरा सौम्या के पिताजी संग निकाली सेल्फी, और मौका मिलते ही किया ऑफ कैमरा पंजाबी डांस भी। हाँ, मैं इस सेट की सबसे मस्तीखोर बच्ची हूँ और सबसे मस्तीखोर बच्चा हूँ एक्चुअली कहूँगी, बहुत ज्यादा मैं प्रैंक भी करती हूँ, बहुत सबको परेशान करके रखा है और सब मुझे बहुत लाड़ प्यार भी करते हैं। एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट और टैलेंटेड एक्टर गौहर खान अपने इम्पेकेबल स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं, और रिसेंटली गौहर खान ने ग्रीन कलर के गाउन में डाली है अपनी एक पिक्चर, जो फैंस को आ रही है काफी पसंद। टेक अ लुक। एक्टर और फेमस होस्ट रणविजय सिंह के घर आई है खुशियों भरी खबर। जी हां, रणविजय और वाइफ प्रियंका के घर आई है एक नन्ही परी। रणविजय ने अपने फैंस को खुद ये खबर दी अपने सोशल हैंडल के जरिए। मे आई कम इन मैडम के साजन यानी टीवी एक्टर संदीप आनंद पिछले दो सालों से अपने होम टाउन उज्जैन नहीं जा पाए हैं अपने बिजी शूटिंग शेड्यूल की वजह से, और अब अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज संदीप ले रहे हैं दो हफ्ते की छुट्टी ताकि वो अपने टाउन जा सके, और इसके लिए वो शो से भी रहेंगे दो हफ्ते के लिए गायब। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक झलक बिग बॉस 10 की। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर, डाउनलोड द जूम ऐप नाउ।